हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे फॉर एक्सरसाइज 7.2। सो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5। इवेल्यूएट करना है आपको ये वैल्यूज, ये जो आपको गिवन है फैक्टोरियल की फॉर्म में। सो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हाउ टू फाइंड अ फैक्टोरियल उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था। सो उसी तरह से हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल को आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, देन नेक्स्ट वैल्यू होती है 5 - 1 दैट इज 4, एंड ऐसे ही आप अपनी वैल्यू तब तक लिखते रहेंगे जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। सो अब इन सबको, ये आपका 5 फैक्टोरियल ओपन हो चुका है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 120। इसी तरह से 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5040। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। सो जिन स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगी वैल्यू, याद होगी जिन स्टूडेंट को कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज 5040 आती है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 120 आती है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करने के अलावा वो डायरेक्टली इसमें वैल्यू अपने पुट करके और माइनस कर लेंगे। सो एज 7 फैक्टोरियल होता है यहाँ पर 5040 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, जैसे कि भी आपने देखी। सो इसको आप माइनस करेंगे यू विल गेट 4920 आपको वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को लिखने से पहले आप एक और स्टेप भी लिख सकते हैं, दैट इज आप 7 फैक्टोरियल की वैल्यू को ओपन करें लाइक दिस, -5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है, कंप्यूट करनी है वैल्यू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट सी। सो आपका डिवाइड में क्या है 5 फैक्टोरियल, राइट, और ऊपर क्या है आपके पास 7 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि आप अपने फैक्टोरियल को विदाउट कम्प्लीटली ओपन करके भी लिख सकते हैं, दैट इज अगर मैं 5 तक लिखना चाहूँ फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को सिर्फ 5 फैक्टोरियल तक ओपन करना चाहूँ तो इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। मैंने 5 फैक्टोरियल तक वैल्यू इसलिए ओपन करी 7 फैक्टोरियल की बिकॉज नीचे डिवाइड में 5 फैक्टोरियल है और ऊपर भी मेरे पास 5 फैक्टोरियल है। सो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास जो वैल्यू आएगी 7 × 6 = 42। इस तरह से आप अपनी वैल्यू सिंप्लीफाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब ऊपर मेरे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट में 12 फैक्टोरियल है और नीचे 10 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है। सो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कैंसिल आउट होने पर मेरा आंसर सिंप्लीफाई कर देगी। आई थिंक 10 फैक्टोरियल अगर मुझे ऊपर में मिल जाए तो 10 फैक्टोरियल बिगेस्ट वैल्यू है, बहुत बड़ी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 9 × 8 × 7 तो बहुत सारा आपको मल्टीपल करनी पड़ेंगी अपनी टर्म, सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसलिए 12 फैक्टोरियल को मैं 2 फैक्टोरियल तक ओपन नहीं करूँगी, 10 फैक्टोरियल तक ओपन करूँगी लाइक दिस, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है मेरे पास 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मेरे पास 12 × 11 बचा है सिर्फ और नीचे 2 × 1 अगर 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, सो 2 × 1 = 12 = 6। सो 6 × 11 = 66 इज़ योर आंसर। सो देखा आपने इस तरह से ओपन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको जो मैक्सिमम कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका जो फैक्टोरियल टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। एग्जांपल 7 में आपको गिवन है, इवेल्यूएट करना है आपको ये, और गिवन वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 2 है। n और r की वैल्यू पुट कर ले, n की जगह क्या है 5, सो 5 फैक्टोरियल है, r की जगह क्या है 2, सो 2 फैक्टोरियल, और 5 - 2 दैट इज n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2, 5 - 2 फैक्टोरियल। सो ऊपर है मेरे पास 5 फैक्टोरियल, सो 5 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3, 3 फैक्टोरियल है इसका मतलब यहाँ पर। सो अब मुझे कौन सी टर्म कैंसिल आउट करूँगी डिवाइड से कि जो मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई वे में सॉल्व होगा, 3 फैक्टोरियल की टर्म अगर ऊपर मुझे मिल जाएगी न्यूमिरेटर में तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैं 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करूँगी और नीचे मेरे पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल चल रहा है, सो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल
और मेरे पास यहाँ पर टर्म बची है न्यूमिनेटर में 5 × 4 और डिनोमिनेटर में 2 factorial. सो यू ऑल नो 2 factorial को ओपन कैसे करते हैं, 2 × 1. सो 2 × 1 यहाँ पर 2. सो 5 × 2 = 10. सो आपका जो एग्जांपल 7 का आंसर है वो 10 आ रहा है. सो यहाँ पर अगर आपके पास ये आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू. सो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके और ये राइट हैंड साइड है. सो मैं क्या करूँगी, मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट यहाँ पर जो 8 factorial है, फिर 9 है, फिर 10 है. 8 factorial तो मिनिमम टर्म है. सो ये कहाँ तक ओपन हो सकता है, 9 factorial, 8 factorial तक भी ओपन हो सकता है और ये भी आपका 8 factorial तक ओपन हो सकता है, जो कि आपका मिनिमम फैक्टोरियल जो भी आपको इस टर्म में पूरी इस इक्वेशन में गिवन है. सो पहला स्टेप यही है कि मैं मिनिमम फैक्टोरियल की वैल्यू देखकर बाकी सब जो फैक्टोरियल्स हैं उनको भी मिनिमम फैक्टोरियल जो कि 8 factorial तक ओपन कर लूँ. सो यहाँ पर 10 × 9 × 8 factorial. सो अब देखिए 8 factorial. सो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1/8 factorial की टर्म पूरी कॉमन है. यहाँ से 1/8 factorial मैं बाहर ले जाऊँगी तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पर मेरे पास टर्म बचेगी 1/9. बिकॉज 1/8 factorial बाहर लिखी है मैंने और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है 10 × 9 × 8 factorial. 1/8 factorial और यहाँ पर भी 1/8 factorial. 8 factorial मल्टीप्लाई में है, 8 factorial मल्टीप्लाई में है. सो देखिए 8 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 + 1/9 मेरे पास टर्म बची लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास बची x/90. 9 × 10 = 90. सो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ. 9 + 1/9 = x/90. सो यहाँ से मेरे पास क्या टर्म आएगी, 10/9 = x/90. सो अब ये वाले 90 को मैं उस साइड ले जाती हूँ, 90 × 10/9 और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ x. सो 9 × 1 = ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पर क्या बच रही है टर्म, 10 × 10 = 100. सो आपकी जो x की वैल्यू है सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 100. सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 करवाऊंगी. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.